हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ शहपर। कैसे हैं आप लोग? सर्दियाँ आ गई हैं और मदर हैं अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने पे जोर देती हैं। बिल्कुल खिलाइए, बहुत ज़रूरी है सर्दियों में बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना। लेकिन मखाना भी उतने ही ज़रूरी है जितना अदर ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मखाने भी बच्चों के डाइट चार्ट में शामिल करें, बच्चों के डाइट में शामिल करें। मखाना खाने से जितनी भी बच्चों की जितनी भी बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और जितनी भी कमज़ोरियाँ रहती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं भी पहले मखाना के बारे में बहुत कम जानती थी, बट धीरे धीरे जब मैंने उसे यूज़ करना स्टार्ट किया तो बहुत फ़ायदे दिखा। मेरे बच्चे कम बीमार पड़ने लगे सर्दियों में। तो अपने बच्चों के डाइट चार्ट में ज़रूर शामिल करें। तो मखाना को, जैसे मैंने बताया कि इसे फॉक्स नट भी कहते हैं और ये बिहार में होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड है। मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप इसे बिल्कुल आराम से दे सकती हैं। और ये कई तरह की बीमारियों से बचाता है। पहला कि आप जो दिल की बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से ये बचाता ही है। प्लस जिन लोगों को शुगर है उनके लिए रामबाण इलाज है। मतलब इससे पर डे आपको 10 से 12 पीस खाना ही चाहिए। कैसे खाना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस और ढेर सारा विटामिन्स है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसे आपके स्किन में ग्लो लाता है। और क्योंकि ये इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो बच्चों को देना चाहिए। बच्चों के साथ बड़े बड़े को देना चाहिए, बड़ों को भी दीजिए। ठंड आ गई, जोड़ों में दर्द होते हैं तो इसे खाएं, काफ़ी आराम मिलेगा। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके डाइट से ही दूर हो जाती है। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को। लोग सिर्फ अगर बीमार पड़ते हैं तुरंत डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर तरह तरह की दवा एंटीबायोटिक वगैरह दे दी, खा लें, ठीक हो गए, ऐसा नहीं। कभी कभी अपने खाने के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं। कुछ कभी कभी घरेलू चीज़ें से भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। बट याद रखें, जब बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो आपके घरेलू नुस्खे से काम नहीं चलेगा, तब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हल्की फुल्की सर्दी है, थोड़ी सी खांसी है, बच्चे रात में खांस रहे हैं, तो कुछ घरेलू चीज़ें को यूज़ कीजिए और बच्चों को ठीक कीजिए। तो मैं बता रही थी कि किडनी, दिल की बीमारियों से मखाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। प्लस अगर बच्चे कमज़ोरी फील कर रहे हैं तो उन्हें मखाना दीजिए। मखाना कई तरह से दिया जा सकता है। मैं जैसे बताती हूँ, आप जैसे खीर बना सकती हैं, आलू और मखाने की सब्ज़ी बना सकती हैं, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। बट मैं प्रेफर करती हूँ उसे हल्का सा रोस्ट करके, क्योंकि जितना न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको पकने के बाद कम हो जाता है। तो अगर आप इसे रोस्ट करके दें तो वो ज़्यादा फायदा करेगा और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। जब आप ऐसे खाओगे तो कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जब इसे रोस्ट कर देंगे और उसमें थोड़ा काला नमक डाल देंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा हो जाता है। आप ऐसे ही खा सकते हो, शाम के चाय के साथ भी खा सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किस तरह अपने बच्चों को देती हूँ, मैं उसमें पहले क्या करती हूँ, एक कढ़ाई लेती हूँ, उसमें थोड़ा घी डालती हूँ और मखाने डाल के हल्की आंच पे तो रोस्ट कर लेती हूँ। और जब वो पूरी तरह रोस्ट हो जाता है तो उसका फ्लेम बंद करके और उसमें हल्का सा काला नमक डाल के मिक्स करके अपने बच्चों को दे देती हूँ। तो मैं शाम को कोशिश करती हूँ, हर दिन दूंगी तो बच्चे शायद नहीं खाएंगे, पर कभी कभी मैं एक दिन गैप करके मैं बच्चों को ज़रूर देती हूँ। तो ठंड आ गई है, मखाना अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें जो मैं आगे बता चुकी हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।